नमस्कार जवाहर दा, मैं हूं आपका जादव। आप देख रहे हैं जवाहर न्यूज। विकास करनी अच्छा बात है, लेकिन विकास के नाम पर विनाश करना ये जायज नहीं है। हम अभी हैं दुमका के सरियाहाट प्रखंड में, और ये जो सड़क है चरका पाथा से लेके कारूडी तक जाती है, और चरका पाथा से लेके कारूडी मोड़ तक सड़क बनाया गया जो लगभग 6 करोड़ का की लागत से बनाई गई। लेकिन स्थितियां अब ऐसी है कि सड़क बनने का तो बन गई है, लेकिन नाला नहीं बनने के कारण बारिश की पानी तमाम जो अगल बगल घर है उसके घरों में प्रवेश कर रहा है, और लोगों का जीना दुर्लभ सा हो गया है। तमाम ग्रामीण है हमारे साथ में, हम उनसे बात करते हैं कि सड़क तो बन गया है, लेकिन सड़क बनने के बाद फ़ायदा कम नुकसान इन लोगों को ज़्यादा हो रहा है। तो अरुण भाई, ये बताइए कि ये घर आप सड़क बन गई, कब सड़क का निर्माण हुआ? लगभग 1 महीना पहले पूर्व। तो क्या कुछ था कमिटमेंट की सड़क के अलावा, और क्या क्या चीज़ बनाना? इसने पूछा था ठेकेदार से और इसका विभाग के पदाधिकारी से, तो उसने बोला था कि 450 मीटर के से नाला है जो चरका पत्थर से देवनारायण डॉक्टर घर से सिलाई सेंटर तक बनाना है। तो हमने उसको बोला था कि नाला पहले बना दीजिए। बोला नहीं, नाला नहीं, पहले बाद में नाला बनाएंगे, पहले हमको रोड डालने के लिए बना लीजिए। इसके बाद नाला रोड बना के सुनते हैं कि फेनट करके चले गए रोड नाला, और हम लोग कैसा स्थिति हुआ, घर में पानी घुस जाता है। देखिए, पहले 450 मीटर का नाला भी था, लेकिन स्थिति हम थोड़ा सा आपको दिखाएंगे। ये स्थिति कमोबस है, ये सड़क है, आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये सड़क है, और सड़क के बाद ये नाला बनना था, और पूरा नाला जो सड़क के बगल का जो स्थिति है वो कादा से कादा हो गया है, और लगभग जो पानी जो बारिश की जो पानी होता है वो लगभग सभी के घरों में प्रवेश कर रहा है, और लोग भी हैं अगल बगल। सर ये बताइए, आप तो यहीं पर रहते हैं, क्या स्थिति हो जाता है बारिश में? बारिश में तो सर काफ़ी दिक्कत हो जाती है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो कोई कभी गिर गए, कभी परेशानी हो जाती है, तो ये समस्या है। आए दिन राहगीर जो भी चलते हैं उनकी भी, उनके साथ भी समस्या होती है। तो जब ठेकेदार वगैरह बोला जी है इधर आइए, जैसे अब बताइए, ठेकेदार लोगों ने वादा किया आपको 450 मीटर का सड़क बनना था, नाला बनना था, तो क्या दिक्कत हो गई जो बनाया? पता नहीं सर, बोलो तो काम फाइनल करा के अपना फंड उठा के निकल गए वो लोग, काम तो कराया नहीं यहाँ पे। अब जब विकास के नाम पर अधूरा विकास, और विकास के नाम पर यदि आम जनता के साथ विनाश वाला काम हो और जनता का जीवन नरकीय जीवन बन जाए, तो ऐसा विकास करने का क्या फायदा है? अरुण जी ये बताइए, अब जो आप लोग इसको लेकर कभी किसी के पास गए कि नहीं, ठेकेदार या संबंधित अधिकारी विभाग? स्कूटी इंजन से बात हुई थी हमको मोबाइल से, इसके बाद बना देंगे, इसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, हम चले गए दिल्ली, ये लोग फेनल करा के चले गए। इसके बाद हमने प्रधानमंत्री को भी ट्वीट किया है और मुख्यमंत्री जी की भी ट्वीट किए हैं रोड के बारे में, अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। हाँ, और रोड में 5 किलोमीटर रोड में कम से कम 150 के जो उछाल बनाए हैं लोग। उछाल मतलब क्या हुआ? ब्रेकर। हाँ, 200 मीटर में जो लोग आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है, और गाड़ी का तो क्षति होते रहता है। यानी ब्रेकर जो है हर 200 मीटर पे बना दिया गया है, जिस कारण से गाड़ी जो चलाते हैं तमाम जो वाहन चालक है, चाहे बाइक से हो या फोर व्हीलर से हो या बड़े किसी वाहन से जाते हों, उछाल इतना ज़्यादा है कि हर दिन कहीं ना कहीं दुर्घटना होता है। ये उछाल हर जगह बनाना उचित नहीं था। घनी आबादी क्षेत्र है नहीं, लेकिन जो क्षेत्र घनी आबादी क्षेत्र है जहाँ पर नाला होना चाहिए था एक्चुअली, वहाँ नाला अभी तक नहीं बनाया गया। स्थिति कमोबस आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि किस तरह से गाड़ियाँ पार हो रही है इसी बारिश का पानी में घुस करके, ऐसा स्थितियाँ बनी हुई है। और ज़ोर से बारिश यदि हो जाए तो आसपास का घर की स्थिति आप देख ले, आसपास घर जो है वो सड़क से नीचे है और बारिश के पानी उसके घरों में घुस रहा है। स्थिति बताइए, ये शहरी क्षेत्र है नहीं, गांव का क्षेत्र है, गांव के क्षेत्र में भी इस तरह के ठेकेदार यदि काम करते हैं केवल खाना पूर्ति करके चले जाते हैं, तो ये कहीं से सही नहीं है। तो सर ये बताइए, आप लोग इसको लेके जो स्थितियाँ बनी हुई है और क्या करेंगे इसको? इसके बाद रोड का भी काम ऐसा घटिया किया है, इसमें बंद करवाया गया था, फिर किसी पदाधिकारी और नेताओं से मिलकर रोड को फिर पुनः चालू किया गया, जाँच हुआ नहीं हुआ हम लोग पता नहीं। रोड इतना घटिया काम किया है कि अभी अमा पघार के पास जाके रोड दब गया, बताइए। सड़क भी बनाया गया तो वो भी टूट गया है, मतलब जो काम गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए सड़क का वो भी नहीं हुआ है। लेकिन स्थिति ठीक नहीं है, आप स्थिति देख सकते हैं, कमोबस ये कारूडी तक ऐसा ही है। और कहीं पे था नाला निर्माण क्या? नहीं,
मतलब चरका पत्थर से सिलाई सेंटर तक निर्माण, चरका पत्थर से सिलाई सेंटर तक नाला निर्माण होना था लेकिन वो नहीं हो पाया। कमोवश पूरा नाला के जो लगभग छः के कितने किलोमीटर का निर्माण था, ये 5.5 किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर के निर्माण कार्य में भी गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य नहीं किया गया। ऊपर से नाला देना चाहिए था 450 मीटर, वो भी नहीं दिया गया है। झेलना यहाँ के लोगों को पड़ता है, ठेकेदार का काम है, बना कर चले गए। और नेता जिस वादे के साथ यहाँ पहुँचते हैं, जिस वादे के साथ इनका बहुमूल्य वोट भी लेते हैं, उस वादे को भी पूरा नहीं करते हैं। अब स्थिति ऐसा हो गई है कि ये सड़क भी जर्जर होने लगा है। 1 महीना अभी पहले ही सड़क का निर्माण हुआ है और 1 महीना बनने के बाद, सड़क निर्माण होने के बाद सड़क की स्थिति ये बनी हुई है। देखने वाली बात है कि आगे नहीं बना था। क्या बोले, ये रोड 25 साल तक नहीं बना था। हम लोग लिखा पढ़ी करते करते, सब लोग करते करते, किसी तरह प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत रोड पास हुई। इसके बाद जब रोड बना तो नेताओं और अफसरों से दबाव के चलते रोड इतना घटिया काम हुआ है जो उसका सीमा नहीं है। हम लोग किसके पास जाएंगे, अफसर के पास जाएंगे, अफसर बात मानता ही नहीं है। नेता जाएंगे, नेता बोलता ठीक करते हैं, नेता भी मिल जाते हैं, किसके पास जाएंगे। 25 साल का कष्ट हम लोग, फिर हम लोग कष्ट 1 महीना के बाद फिर हमको वही कष्ट होने जा रहा है। इन सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। 25 साल का ये जो दर्द है, ये कष्ट है, और यहाँ के लोग ही झेल रहे हैं, यहाँ के लोग ही समझ रहे हैं। केवल जो वादे दिखते हैं, जो विकास पेपर में, खबरों में दिखता है, वास्तविक स्थिति ग्राउंड पर बहुत ही बुरी है, बद से बदतर होते जा रहा है। और भी रूबरू आपको तमाम खबरों से हम करवाएंगे। बन रही आप लोग जोहार न्यूज़ साथ, धन्यवाद। भोपाल टेक्सटाइल थोक कपड़ों के विक्रेता, मेन रोड मारवाड़ी चौक दुमका। हमारे यहाँ गुलाब, रिद्धि सिद्धि, सुमन, बीजे, गणेश, सीटीएम आदि ब्रांड की साड़ी थोक मूल्यों में उपलब्ध है। लहंगा, सूट पीस, नकाब, बुर्का, दुपट्टा, हाजी रुमाल, मजार चादर का ऊनी वस्त्र, मोंडो कार्लो कंबल थोक मूल्यों में उपलब्ध है। गोपाल टेक्सटाइल, मेन रोड मारवाड़ी चौक दुमका। मोबाइल नंबर 6201061 4 3।